हाय, माय नेम इज उदय एंड वेलकम टू एमएलटी लैब। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के ऊपर, इसके कारण, इसके सिम्टम्स और इसके लैब टेस्ट, यानी कि एसटीडी पैनल के अंदर जो है कौन कौन से लैब टेस्ट होते हैं, क्या इसका प्राइस होता है, कैसे होता है, तो ये सब चीजें हम लोग जानेंगे एसटीडी पैनल के ऊपर। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को शॉर्ट में एसटीडी बोलते हैं और इसी को जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में एसटीआई बोलते हैं। तो ये जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से होता है, जो मेल और फीमेल किसी में भी है हो सकता है। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होता है, चाहे वो वेजाइनल सेक्स हो, चाहे वो ओरल सेक्स हो, चाहे वो एनल सेक्स हो। बॉडी पार्ट्स हो गया तो जेनिटल एरिया में इफेक्ट करता है, वेजाइना हो गया, पेनिस हो गया, या माउथ हो गया, या एनस हो गया। और ये जो होता है पॉजिटिव एजेंट की बात करें किसके वजह से होता है, तो ये बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, कुछ जो है इन्फेक्शन वायरस की वजह से भी होता है, कुछ जो है फंगस की वजह से भी होता है, कुछ जो पैरासाइट की वजह से भी होता है। जो एसटीडी डिजीज होता है ये ज्यादातर उनमें देखा गया है जो मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं और जो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, उनमें ज्यादातर ये जो है ये देखा गया है जो एसटीडी डिजीज। अगर एसटीडी लक्षण की हम लोग बात करें, इसके सिम्टम्स की, जो प्राइवेट एरिया होगा जैसे पेनिस हो गया, वजाइना हो गया, या मुंह माउथ हो गया, या एनस हो गया, उसमें जो है फोरे फुंसी टाइप का, एक दाने दाने टाइप का काफी ज्यादा हो जाएगा जिसके अंदर से पस निकलेगा और अल्सर टाइप का हो जाता है, और स्वेलिंग हो जाएगा आपके प्राइवेट एरिया में या मुंह प्राइवेट एरिया में मोस्टली स्वेलिंग टाइप का हो जाएगा, रेडनेस हो जाता है और इचिंग काफी होगा उसमें पेनिस और वजाइना या नियर उसके आसपास, और पेनफुल अल्सर होगा या कोई इन्फेक्शन होता है जिसमें अल्सर तो होता है लेकिन उसमें दर्द नहीं होता है, और जैसे कि पेशाब करते टाइम काफी ज्यादा जलन होगा यदि पेनिस के अंदर या वजाइना के अंदर इन्फेक्शन हो रखा है, तो पेशाब करते टाइम जो है जलन होगा या बार बार पेशाब आएगा, यदि वो इन्फेक्शन जो है यूरेथ्रा में पहुंच गया, यूरेट्रस में पहुंच गया, तो बार बार पेशाब आएगा, और अनयूजुअल फ्लूड डिस्चार्ज होगा वजाइना से हो चाहे पेनिस से हो, व्हाइट कलर का पस टाइप का निकलेगा, जो है फ्लूड निकलता रहेगा उसमें, और जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो है वो काफी ज्यादा पेन फील होगा, उसके बाद एब्डोमेन पेन भी हो सकता है, पेल्विक पेन भी हो सकता है, फीवर भी हो सकता है, वेट लॉस भी है, एचआईवी वगैरह में होता है जो फीवर और वेट लॉस होता है, तो ये सब है कुछ सिम्टम्स होते हैं, और भी कई सारे सिम्टम्स होते हैं लेकिन ये जो है कॉमन मेन सिम्टम्स होता है, जितने भी प्रकार के जो इन्फेक्शन होते हैं इस डिजीज के मेन सिम्टम्स यही होते हैं, और पीरियड्स के दौरान काफी सारा ब्लीडिंग होगा और विदाउट पीरियड्स के भी जो है काफी ब्लीडिंग आ गया, लेकिन मेल फीमेल दोनों में बराबर ही ये होता है। और यदि इसका जो ट्रीटमेंट अगर सही से समय पर नहीं किया जाए तो ये काफी सारा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है, ये हमारे और भी बॉडी पार्ट्स में हो सकता है, जैसे इनफर्टिलिटी हो जाता है महिलाओं में, सर्वाइकल कैंसर वगैरह हो सकता है, और इसका जो इलाज की अगर हम बात करें तो इसका एंटीबायोटिक जो है इलाज होता है, और सारे डिजीज का जो है इलाज क्यूरेबल है, तो एंटीबायोटिक लेने से जो इसका जो ठीक हो जाता है, तो एसटीडी डिजीज का स्टडी क्लिनिक होता है, तो उसमें जाकर आप दिखा सकते हैं किसी प्रकार का आपको सिम्टम्स है, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो ये सारे टेस्ट जो है एसटीडी टेस्ट जो है करवाया जाता है। कौन कौन से एसटीडी डिजीज है, एचआईवी जिसको एड्स भी बोलते हैं, ये वायरस होने वाला एक प्रकार का डिजीज है जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से होता है, सिफिलिस हो जो बैक्टीरिया से होता है, गोनोरिया जो बैक्टीरिया से होता है, एचपीवी जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है जो वायरस से होता है, क्लाइमेडिया ट्राइकोमेटीज होता है जो बैक्टीरिया से होता है, जेनिटल हर्पीज जो वायरस से होता है, और ट्राइकोमोनियोसिस जो है पैरासाइट से ये होता है, तो ये प्रकार ये जो है सभी जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और भी कई प्रकार के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, लेकिन ये जो है आपके कॉमन डिजीज यही होता है जो ज्यादातर जो है देखा गया, जिसमें हेपेटाइटिस भी होता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो है जो है प्रेग्नेंट लेडी को जो टेस्ट करवाया जाता है एसटीडी पैनल टेस्ट, ये देखने के लिए कि उसके अंदर कोई एसटीडी डिजीज है या नहीं है, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट लेडीज को अगर एसटीडी डिजीज हो जाता है तो उसके होने वाले बच्चे को भी जो है वो डिजीज हो सकता है, तो प्रेगनेंसी के दौरान वाइफ हस्बैंड को एसटीडी टेस्ट पैनल का टेस्ट करवाया जाता है। अगर इसके टेस्ट की बात करें तो मोस्टली ये ब्लड टेस्ट से होता है, ब्लड टेस्ट से होता है ये, और सीरम एक एसटीडी पैनल नाम से टेस्ट होता है जिसके अंदर चार पांच प्रकार के टेस्ट होते हैं, जैसे वीडीआरएल टेस्ट हो गया तो सिफिलिस के लिए करते हैं, क्लाइमेडिया ट्राइकोमोनियोसिस एंटीबॉडी टेस्ट होता है जो क्लाइमेडिया के लिए होता है, हर्पीज के लिए जो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस जो होता है आईजीजी एंटीबॉडी टेस्ट होता है, उसके बाद टीपीएचए टेपनोमोपैलिडोमा के लिए जो है ये प्रकार का टेस्ट होता है, उसके बाद एचआईवी का टेस्ट होता है एसटीडी पैनल के, उसका ये जो पैप स्मियर होता है वो अलग से टेस्ट करवाया जाता है, तो पैप स्मियर भी होता है, लेकिन मोस्टली ये जो चार प्रकार के जो एसटीडी पैनल के अंदर ये चार प्रकार के जो है टेस्ट जो है वो होते हैं। इसका जो अगर प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस होता है 2000 से लेकर के
आपका जो है 2500 तक का इसका होगा और लैब टू लैब चेंज हो सकता है। रिपोर्ट जो है इसका नेक्स्ट डे मिलता है और इसके लिए ब्लड सैंपल की जरूरत पड़ती है, इसमें जो है ब्लड सैंपल देना होता है। लेकिन और भी सैंपल होते हैं इसके लिए, डिपेंड्स करता है कि कौन से बॉडी पार्ट्स में इफेक्ट है। लेकिन जो प्रेगनेंसी के दौरान जो करवाया जाता है या कॉमनली जो करवाया जाता है स्क्रीनिंग के लिए, वो एसटीडी पैनल टेस्ट होता है जिसके अंदर यही सारे टेस्ट जो है इंक्लूड होते हैं। तो इसमें और भी सारा जो है टेस्ट होते हैं, तो जैसे क्लाइमेटिया होगा टेस्टिंग के लिए, जिसके लिए जो वैजिनल स्वैब सैंपल या अगर रेक्टम में है, एनस में है तो रेक्टम स्वैब सैंपल लिया जाता है, तो यूरिन सैंपल भी लिया जाता है, और गोनोरिया है तो यूरिन सैंपल लिया जाता है, उसके बाद स्वैब सैंपल लिया जाता है जहां भी इन्फेक्शन है वहां से लिया जाता है। हेपेटाइटिस के लिए ब्लड सैंपल, हेपेटाइटिस सी के लिए भी ब्लड सैंपल लिया जाता है, हर्पीज के लिए जो है ब्लड सैंपल के साथ साथ स्वैब सैंपल लिया जाता है, एचआईवी के लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है और फ्लू सैंपल भी कभी कभी लिया जाता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के लिए, क्योंकि ये जो है हमारे सर्वाइकल अंदर होता है, महिलाओं में अंदर होता है मतलब सर्वाइकल में होता है, तो सर्वाइकल सैंपल लिया जाता है, स्वैब सैंपल जिसको पैप स्मेयर बोलते हैं ये लिया जाता है। और उसके बाद जो सिफिलिस के लिए जो है ब्लड सैंपल के साथ साथ जो है स्वैब सैंपल लिया जाता है, उसके बाद ट्राइकोमोनीज टेस्टिंग के लिए यूरिन सैंपल, वेजिनल सैंपल, सर्वाइकल, तो ये सारे चीज होता है। बेसिकली जो है जो एसटीडी पैनल टेस्ट होता है डिपेंड्स करता है कि कहाँ पर अफेक्टेड है, डॉक्टर ने कौन सा लिखा। ये तो सिंपल सा एसटीडी पैनल है टेस्ट है, सिंपल सा एसटीडी पैनल टेस्ट है, तो उसके अंदर जो है आपको ब्लड टेस्ट, ब्लड सैंपल लिया जाता है। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर यूरिन सैंपल भी लिया जाता है और स्वैब सैंपल भी लिया जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।